उधर एसपी प्रमुख अखिलेश यादव के काफिले में बड़ा हादसा हो गया, इसमें कई लोग घायल हो गए। बता दें अखिलेश यादव किसी शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। इस दौरान उनके साथ उनके काफिले में कई गाड़ियां चल रही थी, तभी अचानक काफिले की 6 गाड़ियां टकरा गईं, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। मिली जानकारी के मुताबिक फरहत नगर रेलवे क्रॉसिंग के पास कोई सामने आया तो एक गाड़ी ने ब्रेक लगा दी, वहीं पीछे चल रहे कई वाहनों ने जब ब्रेक लगाई तो स्पीड तेज होने की वजह से गाड़ियां आपस में टकरा गई। एयरबैग फट गए हैं, अंदर के एयरबैग निकले, भाड़ से फाड़ दीजिए एयरबैग। अगली खबर आप लोगों से जुड़ी हुई है। दरअसल एक तरफ महंगाई की मार लोग झेल रहे हैं, अब ऐसे में दूध के दाम में एक बार फिर से इजाफा देखने को मिला। अमूल ने दूध की कीमतों में 3 रुपए लीटर तक की बढ़ोतरी कर दी। मुंबई में अमूल गोल्ड 1 लीटर अब 66 रुपए का हो चुका है। इससे पहले अक्टूबर 2022 में अमूल दूध के दामों में इजाफा हुआ था। हमारे संवाददाता ने मुंबई के दादर इलाके में अमूल दूध सेंटर का जायजा लिया, दिखाते हैं आपको। कि एक दिन बाद एक बार फिर से देशवासियों को एक बड़ा झटका लगा है, जहां सबसे बड़ी देश की कंपनी यानी दूध की कंपनी अमूल ने अपने दामों में बढ़ोतरी कर दी है। आज यानी जिस तरीके से 3 फरवरी का दिन है, और ऐसे में आज सुबह अमूल कंपनी की तरफ से एक बयान जारी करके कहा है कि अब अमूल के दामों में 3 रुपए बढ़ोतरी की गई। ऐसे में इस वक्त हम देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के कैसे ही दुकान पर मौजूद है, जहां पर आप देख सकते हैं कि लोग सुबह से ही अमूल दूध खरीदने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। लेकिन आज सुबह जब वो अमूल दूध खरीदने आए, लेकिन उनको शौक लगा कि क्योंकि 3 रुपए अमूल के दामों में जो है वो बढ़ोतरी हो चुकी है। इससे पहले अगर बात करें तो अमूल ने आखिरी बार अक्टूबर महीने में अमूल के दामों में बढ़ोतरी कराई थी। हम इन दुकानदारों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अब जब अमूल दूध के दाम बढ़ चुके हैं तो ऐसे में अब क्या रेट है अमूल दूध का फिलहाल। भाई साहब ये बताइए कि के दाम बढ़ चुके हैं, आज से बढ़ोतरी हुई है, अब अमूल का आधा लीटर दूध और गोल्डन वाला दूध कितने रुपए में मिल रहा है? अमूल ताज़ा जो दूध है वो 27 रुपए में, और अमूल गोल्ड जो है वो 33 रुपए में आधा लीटर। पहले कितने में था ये? 26 रुपया और 32 रुपया, 1-1 रुपया बढ़ा है। 1-1 रुपया बढ़ा है दोनों। आपको लगता है अब ग्राहक कम आएंगे या सुबह से कोई आए आपसे? मेरी दुकान तो इतनी जूनी, तो मुझे कुछ गिरा कि फर्क नहीं पड़ रहा है। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर जिस तरह से ऐसे कई अनगिनत दुकानें हैं जहां पर दूध का दाम आज बढ़ चुका है, तो ऐसे में लोगों के मन में सवाल है। हमारे साथ कुछ ग्राहक भी मौजूद है इस वक्त। भाई साहब ये बताइए कि किस तरीके से आज जो दूध का दाम बढ़ा है, दूध का दाम बढ़ गया है, कितना लगता है कि ऐसे महंगाई बढ़ती है तो कैसे? अभी कैसा है सर कि अभी अगर इस तरह बढ़ती रही तो आम आदमी को तो फर्क पड़ना ही है। अगर हर महीने 2-2 रुपये 3-3 रुपये बढ़ते रहे तो फर्क तो पड़ना ही है, आम आदमी के लिए तो तकलीफ की ही बात है। आप आगे क्या सोच रहे हैं कि किस तरीके से अब अमूल के? कहने का मतलब यह है कि जिसे बढ़ाना ही है तो समझो 1 साल या 6 महीने का ऐसा होना चाहिए, अगर हर महीने 2 महीने में बढ़ेगा तो फर्क पड़ता ही है। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से अगर कुछ महीनों की बात करें तो अमूल ने अपने लगातार दूधों के दामों में लगातार इजाफा किया था, जिसके बाद कहीं ना कहीं पूरे देश भर में खासकर दिल्ली और मुंबई में दूध के दामों में बढ़ोतरी की है। तो ऐसे में आम आदमी के जो घर का बजट है वो कहीं ना कहीं बिगड़ जाता है, और ऐसे में देश का बजट पेश हुआ तो देश के बजट के एक दिन ठीक बाद ही एक बार फिर से आम आदमी को तगड़ा झटका लगा है। न्यूज़ इंडिया के लिए मुंबई से शुभम पांडे। उधर समाजवादी पार्टी महिला सभा के प्रदेश अध्यक्ष रीबू श्रीवास्तव ने हमारे सहयोगी शेखर त्रिवेदी से खास बातचीत की और कहा कि समाजवादी पार्टी सभी वर्गों को साथ लेकर चलती है, खास तौर पर महिलाओं को। सुनिए। आधी आबादी का वोट किसे अच्छा नहीं लगता, समाजवादी पार्टी भी आधी आबादी यानी महिलाओं को लेकर के खासा प्रयास कर रही है, और इसी क्रम में समाजवादी महिला सभा की प्रदेश अध्यक्ष एक बार फिर से रिबू श्रीवास्तव जी को बनाया गया है। रिबू जी ये बताइए कि समाजवादी पार्टी जिस तरीके का प्रदर्शन हो रहा है उसको देख करके लगता है कि महिलाओं का पूरा समर्थन उसे नहीं मिल रहा है, किस तरीके से आप चीज़ों को आगे बढ़ाएंगी? बड़ी जिम्मेदारी नहीं आपको इसने, आप इस मामले में मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। कहीं भी आप पूरे उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, महिलाओं के साथ जितना अत्याचार इस सरकार में हुआ है, जो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम से सत्ता में आई, उस सरकार में जितना अपराध महिलाओं के ऊपर बढ़ा है उतना कहीं नहीं बढ़ा, और सभी
मैं तो घर घर में महिलाओं से संपर्क में हूँ, सबका रुझान समाजवादी पार्टी की तरफ है, क्योंकि जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने 10-90 योजना जो महिलाओं के लिए बनाई थी, समझिए घर घर की महिलाएं उस नंबर से अटैच थी, क्योंकि उनको उनके नाम उनके घर वालों को नहीं पता चलता है। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि समाजवादी पार्टी की तरफ में महिलाओं का बहुत रुझान है, घर की जो हाउस वाइफ हैं उनका भी रुझान है, और हम लोग इस आधी आबादी को समाजवादी पार्टी के आंदोलन से जोड़ेंगे। तो ये रिबू श्रीवास्तव जी जिनका कहना है कि महिलाएं न सिर्फ समाजवादी पार्टी के साथ हैं बल्कि सारे वर्गों को लेकर के समाजवादी पार्टी आगे बढ़ती है और उसी क्रम में बढ़ती रहेगी। सुंदरम के साथ शेखर त्रिवेदी, न्यूज इंडिया, लखनऊ। उधर रांची में सीओ को कुचलने की कोशिश करने का मामला सामने आया। दरअसल राहे ब्लॉक के पास एक गाड़ी में अवैध तरीके से बालू ले जाया जा रहा था, जिसकी सूचना सीओ को गुप्त तरीके से मिली। सूचना मिलते ही सीओ ने तेज रफ्तार से आ रही गाड़ी को रोका और जांच शुरू कर दी। तभी अचानक एक सफेद रंग की ऑल्टो में कुछ लोग आए और बदसलूकी करने लगे। इतनी ही देर में ड्राइवर ने गाड़ी की रफ्तार तेज कर दी और सीओ को गाड़ी से कुचलने की कोशिश की। सूचना आई थी कि कुछ लोग यहाँ पे ये सिल्ली बुंडू राह पे बालू और गिट्टी का अवैध रूप से परिवहन करते हैं। उसी के सूचना के आलोक में हम लोग ठीक अपने गेट से ही निकले थे, अंचल के गेट से ही निकले थे कि वहाँ एक गाड़ी आते हुए दिखाई दी। हाथ देकर हमने उसको डिटेन किया, पूछताछ कर रहे थे। इसी बीच में और दो लोग कार से आगे और वहाँ पे बदसलूकी करने लगे और इसी बीच में हम लोग इसको लेकर सरकारी कार में बाधा जानलेवा हमला के तहत हम लोग मामला दर्ज करा रहे हैं। मध्य प्रदेश में किसान सम्मान निधि को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व सीएम कमलनाथ पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कमलनाथ झूठे हैं और कांग्रेस के वादे भी नकली हैं। कमलनाथ ने किसान सम्मान निधि को लटकाने का प्रयास किया है, सुनिए। मैं कमलनाथ जी से पहला सवाल यही पूछ रहा हूँ, मैं तो आज किसानों के खाते में पैसे डालूंगा विदिशा से, लेकिन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में जब प्रधानमंत्री जी पैसा दे रहे थे तब कमलनाथ जी आपने सारे किसानों के नाम वो मांगते रहे कि जो पात्र किसान हैं उनकी सूची भेज दो, आप लटकाते रहे, आपका क्या बिगड़ता था? अगर किसानों के खाते में प्रधानमंत्री जी का 6,000 रुपया आता, सूची अपूर्ण दी नहीं, आते ही हमने उस सूची को परफेक्ट किया और 80 लाख किसान इस योजना में जुड़ गए। तो कमलनाथ जी ये बताओ कि नाम जोड़े क्यों नहीं थे? अब ये तो ऐसा काम था कि हींग लगे ना फिट करी, लेकिन आपको तकलीफ क्या थी? दिक्कत ये है कि वो जवाब नहीं देते, इधर उधर घुमाते रहते हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने आमड़ा पाड़ा में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बता दें शनिवार को गृहमंत्री अमित शाह देवघर के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान बाबूलाल मरांडी ने तैयारियों की समीक्षा की। वहीं उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा संख्या में शामिल होने की अपील भी की है। 24 में दोनों ही चुनाव होना है और इस बार राजमा लोकसभा भी हम लोग जीतेंगे और लिट्टी पाड़ा विधानसभा भी हम लोग जीतेंगे, उसी की तैयारी चल रही है। अगर ढेर दिन ये सरकार रह गई तो यहाँ के कुछ भी नहीं बचेगा, ना पत्थर बचेगा ना बालू बचेगा, सब कुछ लूटा जाएगा। इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी चाहते हैं कि सरकार को विदा करना पड़ेगा। नियोजन नीति सरकार कुछ नहीं कर रही, खाली राजनीति कर रही है। हमने तो हेमंत सोरेन जी को कहा कि भाई दूसरों के कंधे पर बंदूक रख करके गोली मत चलाओ, राजनीति मत करो, होशियारी मत कराओ। भाई आपको राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है नियोजन नीति भी बनाने का और स्थानीय नीति भी बनाने। गुजरात पेपर लीक के मामले में युवा नेता युवराज सिंह ने न्यूज इंडिया से खास बातचीत करते हुए कहा कि एटीएस ने गुजरात में पर्चा लीक मामले में जिन लोगों को गिरफ्तार किया है वही लोग राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों की परीक्षाओं के पर्चे लीक करवा चुके हैं, सुनिए। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो ऑनलाइन या ऑफलाइन एग्जाम होती है उनके पर्चे भी लीक करवा चुके हैं।
इसका बड़ा खुलासा कर रहे हैं युवा नेता युवराज सिंह जी। हम उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से गुजरात के लोग बाहरी राज्यों की जो ऑनलाइन या ऑफलाइन एग्जाम्स है उसमें पेपर लीक करके या पर्चा लीक करवा के पैसा ऐंठते हैं। युवराज सिंह जी, आपने बताया कि राजस्थान, बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में भी पर्चे लीक करवा चुके हैं, गुजरात में जो पेपर लीक कांड में लोग जो शामिल हैं, किस तरह? रविवार इस संडे को जो यहाँ पे तपास हुई, वो एटीएस के द्वारा जो तपास हुई, उसमें जो नाम सामने आया भास्कर चौधरी का और केतन बारोट का, और ये जो भास्कर चौधरी है यहाँ पे बड़ौदा में एक इंस्टीट्यूट चल रहा था स्टेकवाइज टेक्नोलॉजी करके, उसके तार देखा जाए तो राजस्थान में भी है, यूपी में भी है और अलग जगह पर भी है और राज्य में भी है। क्योंकि सबसे पहले ये फ्रॉड करता था कि कोई भी यूनिवर्सिटी का आपको सर्टिफिकेट चाहिए, लाइक दैट कि आपको एसआई का सर्टिफिकेट चाहिए, सैनिटरी इंस्पेक्टर का या फिर लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर का सर्टिफिकेट चाहिए, तो ये बाहर की यूनिवर्सिटी से आपका जो गैप होगा वो गैप में ये लोग सेट करके, पिछले बरस का, ऐसा नहीं है कि अगले बरस का, ये पिछले बरस का सर्टिफिकेट आपको 50 से 60 हज़ार रुपये में ये लोग दे रहे, तो हमने उसको रोकने के लिए भी बोला था। और इसके साथ जो यहाँ पे जो भी ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, जैसे देखा जाए तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में हम जेई और जूनियर इंजीनियर का और जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम देते हैं क्या है, और इसके साथ जो जुड़े हुए हैं वो केतन बारोट है, यहाँ के अरवली के जो अरविंद है, अविनाश है, ये भी इस कोबंड में शामिल है। एक आखिरी सवाल, आपने गुजरात सरकार को बार बार लगातार आपने ये ध्यान खींचना चाहा, शिकायतें दी, नाम दिए, बावजूद एक साल से कुछ नहीं हो पा रहा है आपका ऐसा लगता है, इस बार आपने कहा है कि प्रधानमंत्री के डैशबोर्ड तक ये पूरी शिकायत का रखेंगे? क्योंकि ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने 2019 से मैं इस बाबत में लड़ रहा हूँ कि यहाँ पे जो भी फर्जीवाड़ा हो रहा है वो बंद हो, क्योंकि यहाँ पे जो भी अभ्यर्थी उसके करियर के साथ खिलवाड़ लड़ रहा है, मैं इसको रोकना चाहता हूँ। रोकने के लिए मैंने यहाँ की गुजरात गवर्नमेंट में कई बार रिक्वेस्ट की कि भाई ये लोग है जो अपना पेपर लीकेज करा रहे हैं, ये लोग पेपर आउट करा देते हैं, तो गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया। स्ट्रिक्ट एक्शन न लेने के कारण जो हर बार जो भी पेपर रहता तो वो लीकेज होता था। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में देखा जाए तो 13 लीकेज यहाँ पे गुजरात में 13 पेपर लीकेज हो चुके हैं। अब इसको रोकने के लिए मैंने सीधा पीएमओ से रिक्वेस्ट किया कि हम इसमें सीबीआई की तपास की मांग कर रहे हैं, सीबीआई सीधा इसमें तपास करे, क्योंकि एटीएस ने सीधा तपास, एटीएस ने इंक्वायरी की तो यहाँ पे भास्कर चौधरी और केतन बारोट जैसे नाम खुले, तो सीबीआई तपास करेगी तो पूरा जो ये गैंग है वो गैंग पकड़ा जाएगा। कैमरा पर्सन जसवंत के साथ मेहुल जाला, न्यूज इंडिया, गांधीनगर। और इस साल होने वाले 9 राज्यों के विधानसभा चुनावों को सत्ता का सेमीफाइनल कहा जा रहा है। दरअसल इन विधानसभा चुनाव के खत्म होने के कुछ ही महीनों बाद 2024 के लोकसभा चुनाव होने हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इन विधानसभा चुनाव के नतीजों का असर सीधे सीधे लोकसभा चुनाव 2024 पर भी पड़ेगा। यही वजह है कि 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम सियासी दलों ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। ये रिपोर्ट देखिए। मिशन 2023 जिसमें लगभग 9 राज्यों में चुनाव होने हैं, उसके लिए चुनावी चौसर बिछ चुकी है। पक्ष से लेकर विपक्ष तक ने जीत की इबारत के लिए अपनी कमर कस ली है। विपक्ष जहां एकजुट हो रहा है तो बीजेपी खुद को मिशन 2024 के लिए तैयार कर रही है और एक बार फिर से सत्ता में आने का दावा कर रही है। बीजेपी को ये पता है कि दिल्ली की सत्ता तक पहुंचने की राह इन 9 राज्यों में चुनाव जीत कर ही गुजरेगी। यही वजह है कि बीजेपी एक्टिव हो गई है। बीजेपी संगठन के स्तर पर खामियों, गठबंधन की गांठ को दुरुस्त करने के साथ ही रणनीतिक स्तर पर भी काम कर रही है। 2023 के चुनाव को लेकर बीजेपी को और मजबूत करने के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा त्रिपुरा में है। यहाँ बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ जेपी नड्डा बीजेपी के पक्ष में माहौल बना रहे हैं और जनता से रैलियों के जरिए रूबरू हो रहे हैं। त्रिपुरा के अमरपुर में जेपी नड्डा ने विजय संकल्प रैली के जरिए प्रचार प्रसार किया। इस रैली में बीजेपी नेताओं के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान जेपी नड्डा ने बीजेपी की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अगर विकास की एक लंबी छलांग देश लगा सकता है तो उसमें
त्रिपुरा पीछे कैसे रह सकता है, त्रिपुरा को भी आगे आना पड़ेगा। और त्रिपुरा ने 5 साल में अपने आप में साबित किया है, विप्लव देव ने और मानिक शाह जी ने यह साबित किया है कि आज ये त्रिपुरा पुराना त्रिपुरा नहीं है, ये नया आकांक्षाओं के साथ खड़ा त्रिपुरा है। एक और बीजेपी इस साल होने वाले चुनाव को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है, तो वहीं विपक्ष भी अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। 2022 में दिल्ली और हिमाचल की हार से बीजेपी ने सबक लिया और अभी से जनता को अपने पक्ष में करने के लिए रणनीति बनाना शुरू कर दी है। आज विजय संकल्प रैली के जरिए जेपी नड्डा ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला है। 5 साल पहले यहाँ खून खराबा, यहाँ बंद, यहाँ स्ट्राइक, यहाँ इंसर्जेंसी, बताइए थी कि नहीं थी? टेररिज्म था कि नहीं था? गोलियां चलती थी कि नहीं चलती थी? लॉ एंड ऑर्डर समाप्त था कि नहीं था? आपको जानकर खुशी होगी कि नेशनल लिबरेशन फ्रंट त्रिपुरा के साथ बाकायदा भारत सरकार के समझौते के माध्यम से एक एग्रीमेंट हुआ जिसमें 88 इंसर्जेंट्स ने, उनके काडर ने सरेंडर किया और 44 वेपन्स वो भी सरेंडर किए गए और आज त्रिपुरा शांतिमय त्रिपुरा हो गया, विकास युक्त त्रिपुरा हो गया। त्रिपुरा की 60 सदस्यीय विधानसभा के लिए 16 फरवरी को मतदान होना है। बीजेपी ने 55 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं और 5 सीटें सहयोगी IPFT के लिए छोड़ी है। वहीं बात अगर 2018 की करें तो बीजेपी ने विधानसभा चुनावों में त्रिपुरा में शानदार जीत दर्ज की थी। हालांकि इस साल त्रिपुरा की गद्दी किसे मिलेगी और जनता किसे सरकार बनाने का मौका देती है, इसकी तस्वीरें इस साल के चुनाव में साफ हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। उधर पटना में बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद गोपाल नारायण सिंह ने नीतीश कुमार के समाधान यात्रा पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि आज विधि व्यवस्था की हालत बिहार में खराब हो गई है, नीतीश कुमार किस चीज के लिए समाधान यात्रा कर रहे हैं? मानस के एक दोहाई एक दोहा को लेकर इतना बड़ा बवाल खड़ा हुआ जो कि स्वयं राम ने नहीं, सिंधु ने अपने बारे में कहा, नदी समुद्र जो है अपने बारे में कहा था कि मैं शूद्र हूँ, लेकिन कभी कोई इस पर उदाहरण दे सकता है? उसी रामचरितमानस में सेवरी का जूठा भैर करने का उदाहरण उसको क्यों नहीं को ले रहा है? एक मिनट, सेवरी के जूठा भैर खाने का प्रमाण है उसको कोई नहीं ले रहा है? निषाद राज को भरत सम भाई कहे उसका कोई उदाहरण नहीं ले रहा है? और एक धोबी के कहने से अपने पत्नी को त्याग करना इसका उदाहरण कोई नहीं दे रहा है? ये भी तो उसी कैटेगरी में है लोग। इसका मतलब ये है कि ये लोग अपने स्वार्थ के लिए किसी को बेच सकते हैं, देश को भी बेच सकते हैं, जब शास्त्र तो इनके लिए है ही नहीं क्योंकि पढ़े लिखे ही नहीं। उधर पटना के फुलवारी शरीफ में आदित्य विजन के 96 शोरूम का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर आदित्य विजन के निदेशक निशांत प्रभाकर ने कहा कि हम ग्राहकों की सेवा के लिए लगातार तत्पर हैं और यही वजह है कि आदित्य विजन का ये 96 स्टोर आज पूरे बिहार में ग्राहकों की सेवा के लिए लगातार खड़ा है। बता दें, आदित्य विजन उपभोक्ता उपकरणों के बेहतरीन सर्विस और शानदार ऑफर्स के लिए जाना जाता है। का 96 स्टोर का ओपनिंग समारोह है आज पटना के फुलवारी शरीफ में। अब हम अपने ग्राहकों के और समीप आ गए हैं, फुलवारी के लोग, नौबतपुर, सिवाला, मौर्य विहार और आसपास के जितने भी एरिया हैं वहाँ पे अब उन्हें पटना जाने की ज़रूरत नहीं है, भीड़ भाड़ से बच जाएंगे और आदित्य विजन में बेहतरीन रेंज, बेहतरीन प्रोडक्ट, बेहतरीन आफ्टर सेल सर्विस और ब्याज मुक्त फाइनेंस
करोड़ों का इनाम जीतने का मौका उनको अपने घर के समीप ही मिलेगा। 96वां शोरूम का उद्घाटन हुआ है और हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ही आगे बढ़ रहे हैं। फुलवारी शरीफ के जो भी ग्राहक पटना जाते थे, आज हम लोग यहाँ अपना शोरूम का उद्घाटन किए हैं और हर सामान एक छत के नीचे मिलेगा और काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं। लोगों की ज़रूरत बनती चल जा रही है? हाँ हाँ, एकदम लोगों की हर चीज़ ज़रूरत बनती चली जा रही है। एक छत के नीचे सभी चीज़ उपलब्ध है, मोबाइल, लैपटॉप, कैमरा, टीवी, फ्रिज और ब्याज मुक्त फाइनेंस यहाँ स्टार्ट है। अभी सबसे पहला क्या है कि हम लोग का आदित्यविदन का एक ही मकसद है कि हर घर आदित्यविदन, ठीक है। सबसे पहला क्या है कि अभी फुलवारी के ग्राहक को या खगौल के ग्राहक को या शिवालय के ग्राहक को, नौबतपुर के ग्राहक, अभी बगल में एम्स है, वाल्मी है, मिल्लत कॉलोनी, ये सब ग्राहक को जो है सफ़र करके थोड़ा सा पटना के तरफ जाना पड़ता था, दूर जाना पड़ता था। यहाँ क्या है कि हम लोग नज़दीक खोल दिया, आप घर से निकलेंगे बाहर में आपको आदित्यविदन दिखेगा, घर से निकलने के बाद बाहर में आदित्यविदन दिखेगा। इसलिए हम लोग का एक ही मकसद रहता है कि आदित्यविदन हर जगह आदित्यविदन दिखे और ग्राहक को अगर सही प्रोडक्ट और सही कीमत मिलता है तो आदित्यविदन में मिलता है और कहीं नहीं मिलता है। हम लोग प्राइस मैच गारंटी देते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।